हमने जो विषय लिया है प्रवचन के लिए, वो विषय है संसार को सुखमय करना ही परमार्थ है। हर एक प्रवचन में मैंने बार बार कहा है कि संसार सुखमय होता नहीं, संसार को सुखमय करना पड़ता है। बार बार दोहराता हूं, उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि नए नए लोग प्रवचन सुनते हैं, और दूसरा कारण है अन्य लोगों का रिवीजन हो जाता है। अब रिवीजन का महत्व कितना है, जीवन विद्या ऐसा कहती है कि देयर इज नो विजन विदाउट रिवीजन। रिवीजन का महत्व ऐसा है कि आपको यदि विजन प्राप्त करना हो तो रिवीजन किए बिना कोई चारा नहीं, और जिसे हम रिवीजन कहते हैं उसे ही असल में तप और उसे ही प्रयास कहते हैं और उसे ही तप कहते हैं। तप शब्द का अर्थ रिवीजन। तप याने पेड़ के नीचे बैठना और कोई भी मनचाही हरकतें करना याने तप नहीं। तप याने प्रयास करना उचित दिशा में, तप याने अभ्यास करना, तप याने मैंने जैसे पहले कहा था रिवीजन करना। और इसलिए हर एक प्रवचन के समय मैं खास तौर पर कहता हूं, क्योंकि आपको ये बात याद दिलाना जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। तो हमारा संसार हमें यदि सुखमय बनाना हो तो पहली बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो जीवन है, संसार किसे कहते हैं ये भी हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पत्नी बच्चों वाला संसार यानी संसार, इतना ही यह संसार मर्यादित नहीं है। संसार शब्द का सही मतलब है जीवन जीना, या जीवन जीने के लिए हम जो कुछ करते हैं वो सारा संसार। इसलिए पत्नी बच्चों का संसार यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है, संसार का एक हिस्सा है पत्नी तथा बाल बच्चे। और इसलिए हम जीवन जीने के लिए जो करते हैं वो सारा संसार होता है। ये यदि हमारी समझ में आ गया तो आपके ध्यान में आएगा कि संसार को सुखमय करना मतलब आपका जीवन सुखमय करना है। हमारा जो जीवन है इस जीवन को सुखमय करना यानी संसार सुखमय करना। और इसलिए इस संसार को यदि सुखमय करना हो तो उसके लिए मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि संगीत के जैसे सात स्वर हैं वैसे जीवन संगीत के सात स्वर हैं। उनमें से पहला स्वर यानी विश्व, और उस विश्व के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। और दूसरा स्वर है परिवार। ये सात स्वरों में दूसरा स्वर है। अब ये जो दूसरा स्वर है परिवार, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है, हम परिवार में रहते हैं, हम जन्म लेते हैं परिवार में, परिवार में हम छोटे से बड़े होते हैं, परिवार में हम जीवन जीते हैं, परिवार के सभी सदस्यों से हमारा संबंध होता है। और इस तरह परिवार में जीवन जीते समय हम परिवार का एक केंद्र होते हैं। हर एक व्यक्ति उस परिवार का केंद्र होता है, और इसलिए परिवार का केंद्र यानी व्यक्ति है, इसे ध्यान में रखें तो आपकी समझ में आएगा कि परिवार का हर एक सदस्य महत्वपूर्ण है। यदि छोटा बच्चा हो तो भी वो महत्वपूर्ण है, और बिल्कुल बुजुर्ग घर का व्यक्ति कोई हो, दादा परदादा, वो भी महत्वपूर्ण है। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, और इसलिए परिवार का हर एक सदस्य महत्वपूर्ण है क्योंकि वो केंद्र स्थान पर है। अब पिछले प्रवचन में मैंने कहा था कि परिवार व्यवस्था यानी ज्वाइंट फैमिली अब लगभग लुप्त हो गई है। उसके कारण अनेक हैं। परिस्थिति बदल जाने के कारण ज्वाइंट फैमिली अब लगभग इतिहास करीब करीब बन चुकी है। कुछ स्थानों पर अपवाद रूप में अब भी ज्वाइंट फैमिली मौजूद हैं, परंतु अब वो संभावना दिन ब दिन कम होती जा रही है, और इसलिए विभक्त परिवार आज वस्तु स्थिति है। यह हमें पहले ध्यान में रखना चाहिए। विभक्त परिवारों में भी त्रिकोणीय परिवार, चौकोना परिवार, पंचकोना परिवार, षटकोणीय परिवार हो सकते हैं, परंतु परिवार में कितने लोग हैं ये देखने के बजाय परिवार और परिवार में हमारा जीवन
महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान में रखना है। और इसलिए परिवार में जो 5-7 लोग हैं, अब हमारे परिवार में मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू और पोता, ऐसा पंचकोना हमारा परिवार है। और हमारे इस परिवार में, मेरे पहले कहने के अनुसार, ये परिवार का हर एक सदस्य जो है, उस हर एक सदस्य को हम समान महत्व देते हैं। फिर वो पोता हो तो उसे भी हम महत्व देते हैं, और पत्नी यानी दादी, उसको भी हम महत्व देते हैं, बेटे को भी हम महत्व देते हैं, बहू को भी हम महत्व देते हैं। उसका कारण क्या है? हमारी दृष्टि में, जीवन विद्या के दृष्टिकोण से, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। वो छोटा सा बच्चा है, उससे क्या सीखने को मिलेगा, ऐसा हम कभी नहीं कहते। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि हर एक से कुछ तो सीखने जैसा होता है, और हर एक से सीखना चाहिए, फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या छोटा हो, हर एक से सीखने की इच्छा होनी चाहिए। शिक्षा शब्द का अर्थ ही मैंने ये बताया है कि हर क्षण सीखना यानी शिक्षा। और इसलिए जीवन जीते समय हमने हर क्षण में सीखने का यदि प्रयास किया, तो हमारा जीवन, पारिवारिक जीवन जिसे हम कहते हैं, वो निश्चित ही सुखमय होगा। और इसलिए हमारे परिवार में यदि हमें कोई डिसीजन लेना हो, कोई निर्णय लेना हो, तो हम पांचों लोग इकट्ठा बैठते हैं, पोता, दादा, दादी, बेटा और बहू, हम इकट्ठा बैठकर निर्णय लेते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रथम हम स्वयं करते हैं, फिर लोगों से कहते हैं, ये मेरा कहना है। मुझे कहना है कि हमारे परिवार में हम क्या करते हैं, ये मैंने पहले आपको इसलिए बताया कि हमारे परिवार में हम सारे निर्णय लेते समय हम सबसे विचार विमर्श करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। कहने की बात यह कि परिवार कहने पर परिवार का हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, यह मेरा बार बार कहना है। मैं अमेरिका गया था और अमेरिका में मुझे ऐसा दिखाई दिया कि हर परिवार में बच्चे बड़े बात करते समय उनकी बातों में एक वाक्य का उच्चारण हमेशा होता था। वो वाक्य था, इट इज माय लाइफ। मुझे दिखाई देता था कि छोटे बच्चे और बड़े लोग, सभी के मुंह से एक ही वाक्य हमेशा निकलता था, वो था, इट इज माय लाइफ। आपको मजे की बात बताता हूं कि इट इज माय लाइफ ये बोलना मेरा नवासा भी सीख गया। मेरा नवासा यानी बेटी का बेटा, हम जब अमेरिका गए थे, तब की बात मैं बता रहा हूं कि बेटी का बेटा भी जब बोलना सीख गया, तब वो भी इट इज माय लाइफ बोलने लगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इट इज माय लाइफ ऐसा कहना जो वहां होता है, उसमें जीवन के प्रति देखने का उनका जो दृष्टिकोण है, उससे हम सहमत नहीं हैं, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। और यह मैंने अमेरिका में बताया। मैंने जब न्यूजर्सी में प्रवचन किया, तब न्यूजर्सी में, अमेरिका में मैंने ये बात कही कि आप लोग जो कहते हो इट इज माय लाइफ, वो रॉन्ग है, वो गलत है। ये मैंने उनसे कहा, योर लाइफ इज नॉट योर लाइफ, योर लाइफ इज लाइफ ऑफ योर फैमिली, योर लाइफ इज द लाइफ ऑफ योर सोसाइटी, योर लाइफ इज द लाइफ ऑफ द नेशन। ये आपको पहले ध्यान में रखना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन जीते समय हमें यह सीखना है कि जीवन कैसे जीना है, तो ही आपका संसार सुखमय होगा। संसार सुखमय कब होता है? केल्याने होता है रे, आधी केलेची पाहिजे। इसलिए हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं, फिर होगा अपने आप। होना रिएक्शन है और करना एक्शन है, होना ये रिएक्शन है और करना ये एक्शन है। इसलिए एक्शन का महत्व है, क्योंकि रिएक्शन अपने आप होगा, रिएक्शन अपने आप होगा। इसलिए एक्शन क्या करनी है वो मैं कह रहा हूं कि एक्शन करते समय इट इज माय लाइफ ऐसा कभी भी बोलना नहीं है। फिर चाहे आप अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो या विश्व में कहीं भी हो, इट इज नॉट माय लाइफ, इट इज लाइफ ऑफ माय फैमिली, ये आपको पहले बोलना चाहिए। सोसाइटी, नेशन, ऐसा कहना चाहिए। और एक बार आपने यदि इस दृष्टि से जीवन जीना शुरू किया, तो फिर पहले
आप परिवार में, क्योंकि चैरिटी शुड बिगिन एट होम, ऐसी अंग्रेजी में कहावत है, उस कहावत के अनुसार हमें जो भी कुछ करना है उसकी शुरुआत हमारे परिवार से की तो वो बेहतर है। इसलिए हमारे परिवार में रहते समय हमें पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं परिवार का हूं, मैं परिवार के लिए हूं। गौर कीजिए, मैं परिवार का हूं और मैं परिवार के लिए हूं। ये यदि पहले आपने ध्यान में रखा तो परिवार में जितने भी लोग, चार हैं, पांच हैं, छह व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को सुख नाम की चीज अपने आप प्राप्त होने लगेगी। उनके हिस्से में दुख कभी आएगा ही नहीं, उनके हिस्से में दुख कभी आएगा ही नहीं। सुख कब आता है? जिस समय सभी लोगों के विचार एक हो जाते हैं, उस समय वहां सुख ही सुख होता है। और जिस समय लोग अपने विचारों के अनुसार चलने लगते हैं, तब जीवन में दुख निर्मित होने लगता है। तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है, ऐसा जब हर एक व्यक्ति कहने लगता है, तब उस परिवार में समझ लो कि कलह क्लेश की शुरुआत हो गई, दुख की शुरुआत हो गई है, संकट की शुरुआत हो गई। मुझे सब कुछ पता है, ऐसा जब हम कहते हैं तब हम दूसरों का अपमान करते हैं, हम दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं, दूसरों को समझने का हम प्रयास नहीं करते। यह हमारे दुखों की जड़ होती है, यह हमें समझ में नहीं आता। और फिर परिवार में दुख निर्मित हुआ तो वो जाता है तांत्रिक के पास, बाबा के पास, किसी सन्यासी के पास, किसी साधु के पास, किसी महाराज के पास जाता है, और फिर राख लेता है, भस्म लेता है, बभूत लेता है, धूप लेता है, अंगूठियां लेता है, अभिषेक करता है, एकादशी करता है, उपवास करता है, 16 सोमवार करता है, 16 शनिवार वगैरह, ये सब चलते रहता है। अजी, मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप में समझदारी नहीं होगी तो आपको सुखी करने का सामर्थ्य ब्रह्मदेव में तो है ही नहीं, परंतु ब्रह्मदेव के पिताश्री में भी नहीं। ब्रह्मदेव के पिता कौन है ऐसा मैंने किसी से पूछा, वो भी उसे नहीं पता था। ब्रह्मदेव के पिता यानी विष्णु। मेरे कहने का मतलब ये कि आपको सुखी करने का सामर्थ्य ब्रह्मदेव में नहीं, उनके पिताश्री में भी नहीं। यदि आप में समझदारी न हो तो जीवन विद्या ये बात स्पष्ट रूप से कहती है, बीच में पर्दा न रखते हुए। कारण क्या है? विश्व सुखी हो, ये हमारा संकल्प है। विश्व को सुखी होने के लिए जो मार्गदर्शन करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, और इसलिए परिवार हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। और इस परिवार में जीवन जीते समय हमें समझदारी की पहली सीढ़ी ज्ञात होनी चाहिए कि मैं परिवार का हूं और मैं जीता हूं परिवार के लिए। यह समझदारी की पहली सीढ़ी है, यहां से समझदारी की शुरुआत होती है, समझदारी की यहां से शुरुआत होती है। और इसलिए एक बार मैं परिवार का हूं और मैं परिवार के लिए हूं, ऐसा समझदारी का मार्ग यदि आपने अपनाया तो आपका समझदारी के मार्ग पर मार्गक्रमण जिसे कहते हैं वो शुरू हो जाएगा। और इस तरह एक बार आप समझदारी के मार्ग पर मार्गक्रमण करने लगे तो आपको जो दर्शन होगा वो सुख का होगा, जो दर्शन होगा वो ईश्वर का होगा, जो दर्शन होगा वो आनंद का होगा। और इसलिए संत दर्शने हा लाभ पद्मनाभ चोड़ला, ऐसा जो तुकाराम महाराज कहते हैं, उस संत दर्शन का अर्थ है संतों का मार्गदर्शन। लोग समझते हैं वैसे दर्शन नहीं, लोगों को लगता है कि चरणों में मस्तक रखा तो दर्शन कर लिया, वो दर्शन करना नहीं है, वो केवल सिंबॉलिक बात है, ये केवल एक प्रतीकात्मक बात है। असली दर्शन यानी मार्गदर्शन, संतों के दर्शन करना यानी संतों से मार्गदर्शन लेना, ये आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो संत दर्शन कहते समय उसके पीछे का मार्ग शब्द यदि हमने निकाल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और इसलिए आज बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि किसी साधु के चरणों में मस्तक रख दिया तो हमारे संकट दूर हो जाएंगे, किसी महाराज के चरणों में मस्तक रख दिया तो अगला इलेक्शन हम जीत जाएंगे, ऐसे विभिन्न प्रकार की आज लोगों की कल्पनाएं हैं। ये सभी गलत कल्पनाएं हैं, ये सभी गलत कल्पनाएं हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। आपको यदि जीतना है इलेक्शन में
तो उसके लिए आपके पास मुख्यतः समझदारी चाहिए। लोगों को यदि मैंने सुखी किया और लोगों को यदि सुखी करने का प्रयास आपने किया है और यदि वो लोगों को दिखाई दिया तो आप निश्चित ही जीत जाओगे। उसके लिए आपको कहीं जाने या आने की कोई जरूरत नहीं, आपकी जीत निश्चित है 100%। ऐसी समझदारी जिसे हम कहते हैं, वो समझदारी यदि न हो तो जीवन का मतलब ही नहीं। परमार्थ वगैरह तो सब दूर की बात, वो तो सब दूर की बात, जीवन का ही कोई मतलब नहीं यदि समझदारी ना हो तो। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज लोगों को समझदारी सिखाई ही नहीं जाती। आज पाठशाला में भी समझदारी सिखाई नहीं जाती, कॉलेज में भी समझदारी सिखाई नहीं जाती, धर्म संस्थाओं में तो सारा मंगल ही मंगल है। मारपीट जो चल रही है वे सभी धर्म संस्थाओं द्वारा ही चल रही है। तो कहने की बात, राजनीति के बारे में ना बोले तो अच्छा, तो कहने की बात ये कि समग्र यदि हम देखें, विश्व में सर्वत्र दृष्टि डालें, तो हमें दिखाई देगा कि समझदारी नाम की चीज सिखाई ही नहीं जाती। जो सिखाई जाती है ना, वे अनावश्यक बातें सिखाई जाती हैं। फिर विश्व सुखी होगा कैसे? फिर हम कहते हैं सुख जौ जितना है और दुख पहाड़ जितना, और इसका दोष किसे देते हैं? तो संसार को। संसार दुख की जड़ है। अजी संसार ने क्या बिगाड़ा है? संसार ने कुछ नहीं बिगाड़ा, जो कुछ किया है वो तुमने, और जो भुगतना है वो भी तुम्हें ही। इसलिए कर्ता भी तुम हो और करवाने वाले भी तुम ही हो, ये जीवन विद्या स्पष्ट रूप से कहती है। हम कहते हैं कर्ता परमेश्वर, करवाने वाला परमेश्वर, और जो भी है वो देख लेगा। और इसलिए हम कहते हैं सुखकर्ता दुखकर्ता वार्ता विघ्नाची। ये सच नहीं, ऐसा मैं आज कहता हूं। ये जब मैं कहता हूं तब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। सुखकर्ता तुम हो और दुखहर्ता भी तुम ही हो, दुख करता तुम हो और सुख हर्ता भी तुम ही हो, ये तुम कभी मत भूलना। और इसलिए तत्वमसि, ये जो हमारा शास्त्र कहता है, ये सिद्धांत 5000 वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, वो तुम हो तत्वमसि। और इसलिए हम जिस समय गणेश जी से कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, ये त्वम कौन है? ये त्वम तुम ही हो। त्वम याने तुम ही हो, तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार, ऐसा मैं कहता हूं। वो तुम और वो दोनों एक ही हैं। वो और तुम एक ही हो, दो नहीं। इसलिए कर्ता करवाने वाला वो, ऐसा यदि तुम्हारा कहना है तो वस्तुस्थिति कर्ता करवाने वाले तुम हो ऐसी है। ये एक बार आपके ध्यान में आ गया कि वो और तुम एक ही हो, तो वो जब आप कहते हो तब आपके सारे दोष जो हैं, गुण तो लगभग होते ही नहीं, सभी दोष तुम परमेश्वर पे थोपते हो। और जिस समय तुम कहोगे सब कुछ करता मैं ही हूं और करवाने वाला भी मैं ही हूं, उस समय मेरे जो दोष हैं उन्हें मैं निकालने का प्रयास करूंगा और गुण बढ़ाने का प्रयास करूंगा, ऐसा उसमें अंतर है। तोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव बरवा, ऐसा एक अभंग है ज्ञानेश्वर महाराज का, रूप पाहता लोचनी सुख झाले वो साजणी, तोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव बरवा, सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवी वर। ये अभंग जब हम बोलते हैं उस समय लोग अभंग कैसे बोलते हैं ये हम देखते हैं। तोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव बरवा तोहा विठ्ठल बरवा, मुझे बताना है कि तुम जो बोलते हो क्या वो तुम्हें समझ में आता है? मजे की बात यह है कि वो जो विठल विठल कहते हो ना, वो ये है, ये उसका अर्थ है। आप जब वो कहते हैं वो तोहा विठल बरवा, आगे क्या कहते हैं? तोहा माधव बरवा तो हा विठल बरवा तो हा माधव बरवा। ये एक बार समझ में आ गया कि वो और तुम एक ही हो तत्वमसि। ये यदि एक बार तुम्हारी समझ में आ गया कि कर्ता करवाने वाला वो, ऐसा यदि तुम कह रहे हो तो तुम अपने नसीब का सारा दोष उस पर डाल दोगे और तुम कभी सुधर नहीं सकते। परंतु कर्ता भी मैं और करवाने वाला भी मैं ही, ऐसा जब तुम कहोगे ना, तब तुम्हारे दोष दूर करने का तुम प्रयास करोगे और तुम में जो गुण होंगे उन्हें तुम बढ़ाने का प्रयास करोगे, नहीं होंगे तो उन्हें प्राप्त करने का तुम प्रयास करोगे और तुम्हें प्रयासों की दिशा में उचित मार्ग प्राप्त होगा। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है
कि भाई वो और तुम एक ही हो, और इसलिए कभी भी यह मत कहना कि सब कुछ उसके हाथों में है, सब कुछ वो करने वाला है, करवाने वाला वो है, इसलिए नसीब में जो होगा वैसा ही होगा, ऐसा कभी मत कहना। जो कुछ है वो तुम्हारे हाथों में है, ये तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। आज हम सब कुछ हम यही भूल जाते हैं, और हम जब आरती करते हैं, धूप दीप करते हैं, सब करते हैं, उस समय वस्तुस्थिति जो है उसे हम ध्यान में नहीं लेते। वस्तुस्थिति, वस्तु की स्थिति यानी वस्तुस्थिति, ये जो वस्तु, इस वस्तु में भी तुम हो, इस वस्तु में भी तुम हो, इसलिए ये शरीर यानी वास्तु है, क्योंकि इस शरीर में तुम वास करते हो, इस शरीर में तुम वास करते हो, यानी मैं वास करता हूं, और इसलिए ये शरीर वास्तु है। यहां भी तुम हो, और इसलिए जीवन विद्या कहती है तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहे।